रूस का विवाद, क्या है ये विवाद समझिए ध्यान से, ये देश कौन सा है, यूक्रेन। यूएसएसआर जब अलग हुआ, यूएसएसआर कब टूटा था, 1991, उसमें ये तीन तो बाल्टिक टूट गए, उसी में बेलारूस टूटा, उसी में यूक्रेन टूटा, यूक्रेन के नीचे देखिए मोल्डोवा उसी में टूटा, यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा देश होगा मोल्डोवा, मिल गया है मोल्डोवा, कौन देश है मोल्डोवा, लाइव वाले सब लोग देखते रहे कौन देश है मोल्डोवा, मोल्डोवा। देखिए यूक्रेन जब अलग हुआ किससे, 1991 में, तो भी ये रूस के फेवर में ही था, रूस के क्या था, फेवर में था, फेवर में था, रूस के किसमें था, फेवर में, फेवर में था। जब ये यूएसएसआर में शामिल हुआ था 1970 के दशक में, तो यहां एक छोटा सा राज्य है रूस जिसका नाम है क्रीमिया, देखिए लिखा है नक्शा में लिखा होगा क्रीमिया, यूक्रेन का निचला राज्य का नाम है क्रीमिया, क्या नाम है, फ्लोरेंस नाइटिंगल किस युद्ध में भाग ली थी, 1854 के क्रीमिया, नीचे मिल गया क्रीमिया, मिला कि नहीं मिला क्रीमिया, तो ये क्रीमिया रूस का था, किसका था, रूस का था, ये क्रीमिया जो था वो रूस का था, ये बड़ा वाला देश कौन है, रूस, रूस। ये क्रीमिया ने, क्रीमिया किसको दे दिया, यूक्रेन को दे दिया, और यूक्रेन को किसमें मिला लिया, यूएसएसआर में, किसमें मिला लिया, यूएसएसआर में, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस का पुराना नाम था, यहां इसको मिला लिया। लेकिन 1991 में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और सोवियत संघ बिखर गया, सोवियत संघ के बिखरने के बाद यूक्रेन अलग हो गया, लेकिन यूक्रेन नौटंकी करना चालू किया, यूक्रेन जाके मिल गया यूरोपीय यूनियन वालों से, इससे मिल गया यूरोपीय यूनियन वालों से, तो तब तक रूस कुछ नहीं बोला। लेकिन रूस में 2014 में यूक्रेन में सत्ता में थे पेट्रो यानुकोविच, इनके समय यूक्रेन के लोग दबाव बनाने लगे कि तुम नाटो के सदस्य बन जाओ, इसके सदस्य बनो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है इसके जो 29 देश हैं, अब 30 हो गए, माल्टा शामिल हुआ है 30 हो गया, अभी जब आपको बताया था 30 हो गए थे। अब इन तीनों देशों का है क्या कहना है भैया, कि हम 300 पे अगर किसी ने हमला किया तो हम 300 मिलकर मारेंगे, क्या ये रूस के लिए सही है। तो रूस यूक्रेन को समझाया कि तुम नाटो का सदस्य मत बनो, कहा कि आप होते कौन है हमारा, हमको नसीहत देने वाले। रूस कहा कि जो अपनी औकात देखे हो 2014 में इसने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, ये यूक्रेन का निचला भाग का नाम क्या है, क्रीमिया। रूस ने किस पर कब्जा कर लिया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया देखते रह गई। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कि कोई भी देश अगर रूस से कोई सामान खरीदेगा तो अमेरिका उस पर काटसा एक्ट लगा देगा, क्योंकि अब डायरेक्ट लड़ नहीं सकते तो उसके व्यापार को खत्म करेंगे। तो बहुत सारे लोग रूस से व्यापार नहीं करते थे, किसके डर से, अमेरिका के डर से, और अमेरिका को भी बहाना मिला था कि भाई आप किसी भी देश को ऐसे ही कब्जा नहीं ना लेंगे, अब फरिया लीजिए जिसको देखना। अब डायरेक्ट अमेरिका भी रूस पे हमला नहीं कर सकता, रूस भी अमेरिका पे नहीं कर सकता, यही तो होता है शीत युद्ध। दोबारा 2014 के बाद क्या चालू हो गया, शीत युद्ध। अमेरिका ने क्या कब्जा कर लिया, क्रीमिया। रूस ने क्या कब्जा कर लिया, क्रीमिया। अब देखिए क्रीमिया के नीचे तो काला सागर है, क्रीमिया के नीचे कौन सागर, काला, लेकिन क्रीमिया के ऊपर एजोब सागर होगा, देखिए कौन सागर है, एजोब सागर, क्रीमिया के ऊपर सागर एजोब सागर। अब इस एजोब सागर पे पूरी तरह से कब्जा किसका हो गया, रूस का, क्योंकि क्रीमिया अगर कब्जा होगा तो ऊपर का एजोब सागर किस पर कब्जा होगा, रूस का, रूस का यहां पे कब्जा हो गया। इसके बावजूद यूक्रेन नहीं माना, अब वो किस पे जाने लगा, नाटो में, अमेरिका। अब कुंजी खोज रही है, ये पकड़ लिया, कुंजी खोज रही है, एजोब सागर नहीं मिला, देखा जी उसको हल्ला कर रही है यहां, अगुआ बैठ के चाय चाय चिल्लाते रहती है, एजोब सागर। रूस लेके चल गया तो कहां मिलेगा। अगो बैठ के ना चाय चाय चिल्लाएगी सर, काल नीचे तो बड़का काला सागर, काला सागर को कैसे कब्जा कर पाएगा भाई, इतना बड़ा है। क्रीमिया के ऊपर जो एजोब सागर मिला, एजोब सागर, तो उस एजोब सागर पे किसे कब्जा कर लिया, अब यूक्रेन अभी भी जा रहा है किससे मिलने। अब रूस जो क्या किया पता है, 300,000 सेना यहां खड़ा किया है, कह रहा है तुम मिलो, 300,000 पहुंच खड़ा किया, हम मिल तुम यहां पर। अब यहां के लोग आधा पागल हुए हैं। देखिए देशभक्ति और स्वाभिमान अपने जगह पे, और समझदारी अपने जगह पे, लड़ तो चल जाएगा मिलने, कौन नाटो वाला आएगा बचाने, अरे नाटो वालों की औकात इतने हैं कि अफगानिस्तान में घुस के मार सकते हैं किसको, तालिबान को, और वो ससुरा 20 साल मारा लात खा के चलाया। नाटो की औकात इतने थी कि वियतनाम में बम गिरा दिए थे 27 करोड़, ऊपर से मारे सब वियतनाम से भाग के आए थे।
नाटो ने किया क्या आज तक? इराक पर हमला किया है, सीरिया पे किया है, छोटका छोटका पे, लीबिया लीबे छोटा छोटा पे किया, आना तो नहीं भारत पे, कहा भारत पे, आधा तो कंफ्यूज हो जाएगा सर, भारत कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, अलग अलग भाषा है, बिहार में कुछ की कौन छू रही तुम, फोन करेगा वी क्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया नाउ यू आर इन नेपाल, करे नेपाल में नहीं रहे इंडिया है। अंग्रेजवा आए थे तो पकड़ा गया था सब, नहीं समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े तो देखिए ध्यान से, ये वाला बॉर्डर यहाँ पे किसने खड़ा कर दिया फोर, अगर ये जाएंगे नाटो में तो नाटो में तो रातों रात नहीं मिल सकते भाई, कुछ का एक समझौता होता है वो होगा, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो तू प्रक्रिया चालू कर, तू चालू कर, यहाँ हम मार देंगे, अब मारिए दे तो ठीक है ससुराल, नहीं ये नाटो में जाएंगे यहाँ पर, इससे सीखना चाहिए हम लोग को देशभक्ति।